सवर्ण उत्थान समिति के द्वारा रविवार को रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मंडल कमीशन लागू किए जाने को लेकर काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र ने बताया कि 8 अगस्त को देश में मंडल कमीशन लागू किया गया था, जिसके विरोध में देश भर में समिति के पदाधिकारी काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और सामान्य आयोग गठन करने की मांग करते हैं। इस अवसर पर सवर्ण उत्थान समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र ने कहा, खारिज करते हैं इन्हें, प्रतीकात्मक खारिज करते हैं और समन्वय आयोग का गठन करो। अवधेश कुमार मिश्रा राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का संयोजक हूँ। आज विगत कई वर्षों से आरक्षण विरोधी मोर्चा के आह्वान पर तत्वावधान में देश भर में 8 अगस्त काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7/8 की रात 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था और इस मंडल कमीशन के लागू होने के बाद पूरे देश में एक क्रांति आई, आंदोलन हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने अपनी बलि दे दी और हजारों लोग जेल गए। उनके शहादत को याद करते हैं और याद करने के बाद हम सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए और इस पूरे कार्यक्रम को आज देश में लगभग 250 स्थानों पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। दिल्ली में जहां राणा ठाकुर के नेतृत्व में हो रहा है, रविंद्र जठेड़ी के नेतृत्व में हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में जबलपुर में राजेंद्र तिवारी और ग्वालियर में राजीव सारस्वत और मध्य प्रदेश देवास में ईश्वर सिंह राजपूत तथा सीधी में मनोज सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में सुशील शर्मा के और सुरेंद्र मालखेरी के नेतृत्व में चल रहा है। राजस्थान में गोपी रमन शर्मा परासा शर्मा के नेतृत्व में चल रहा है। बिहार में नवीन ठाकुर के नेतृत्व मैथिली ठाकुर के नेतृत्व में चल रहा है। अशोक झा के नेतृत्व में चल रहा है। हम पूरे देश में इस आंदोलन के माध्यम से आज ज्ञापन देंगे कि सरकार सामान्य आयोग का गठन करे, जिस तरीके से अनुच्छेद 15 में लिखा है, अगर अनुसूचित आयोग बन सकता है, अगर पिछड़ा आयोग बन सकता है, अल्पसंख्यक आयोग बन सकता है, तो सवर्ण आयोग सामान्य आयोग क्यों नहीं बन सकता। हम सामान्य आयोग की मांग करते हैं।